जी मैं कम ही आता हूँ मीडिया में यार, मेरा थोड़ा सा ऐसे ही रोला रहता है कि मैं ज़्यादा अपने गानों में बिजी रहता हूँ, तो मैं ट्रैवल ज़्यादा करता हूँ, मेरे शोज़ होते हैं तो मैं ज़्यादा कभी पंजाब कभी कलकत्ता इस जगह में होता हूँ। यस वेरी वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम एंड आई विश ये शुरुआत है एंड lots of places like this I'm yeah. looking forward god bless you guys now bas jaldi jaldi se shaadi dekhna chahti hu dono ki super excited and god bless them both I think bahut acha hai ki hum actors apne sath sath kuch aur bhi shuru karte hain so ye bahut acha step hai aur bahut bada step hai you know ek business khulna bahut badi responsibility hoti hai I think and unhone bahut bada step uthaya and bhagwan se wish karunga kyunki aise ek 10-15 aur ho बॉम्बे में क्या पूरे वर्ल्ड में नहीं भाई नहीं मैं डांस से बहुत दूर हूँ मैं नच बल्ली करके बहुत हो गया हूँ तो मैं डांस से करूँगा मैं शिव के लिए आया था मेरा भाई छोटा भाई हमारा उसमें ही है तो यस वो रहा मैं उसके सपोर्ट के लिए आया था तो जब हमारा वो इंसान ही फाड़ू हम ना जो ये रोडीज वाले हैं ना हम थोड़ा फाड़ने के लिए पैदा हुए तो हम फाड़ते हैं हर जगह जाके यस यस बहुत प्यारी वो बहुत प्यारी लड़की है जब भी हम उसको देखते हैं हर जगह वो स्क्रीन खा जाती है बिल्कुल है ना वो तड़का है पूरा तो मैंने उसको यही बोला जब मैं मिला कि यू नो मैं सिर्फ शिव के लिए देख रहा था अभी जैसे तू आई तो मेरे लिए शिव और तू हो गए इंपॉर्टेंट है मैं तुम दोनों के लिए शो देख रहा हूँ मैम आप कुछ ऐड करना चाहेंगे मनीषा रानी को सपोर्ट भी किया सर ने बहुत क्यूट है मनीषा रानी एंड आई रियली लाइक हर इन द शो और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इनफैक्ट मुझे तो देखना है हमारे जो प्रिंस का जो नया गाना आया है उस पे दोनों को डांस करते हुए देखना चाहती हूँ मैं आज ही प्रिंस को बोल रही थी कि एक अच्छा सा रील बनाइए साथ में या थैंक यू जी खाने खा लो बंदा तभी देखो ना खाए तब भी पछताए होता ना तो खा के पछता लो अच्छा है किसी का पछताना पड़ेगा बट आई थिंक जब तुम्हें तुम्हारे साथ कपल मिल जाता है तो वो पछतावा नहीं रहता आई थिंक वो अच्छा मीठा लट्टू मीठा ही रहता है तो मुझे लगता है टाइम पे अच्छे इंसान को अच्छे इंसान से शादी करनी चाहिए जी ऑब्वियसली मेरे को लगता है कि अगर तुम किसी पे टॉर्चर कर रहे हो तो सहने की भी कोशिश रखो ठीक है उतना रखो कि तुम पे भी आएगा या फिर तुम बड़ी बातें करके ये मत हो जाओ कि तुम सामान छुपा दो यू नो अगर तुमने किया है तुम्हें इतना दम होना चाहिए कि तुम पे कोई करेगा तब भी तुम अगर ये ऐसा अगर वो सब कुछ नहीं करते उसके बाद खड़े रहते तो मैं बोलता कि यार वो मतलब हमने दूसरी टीम कमज़ोर नहीं थी जबकि उसमें तीन लड़कियाँ भी हैं जिसको हम बोल देते हैं कि हम फिजिकली लड़के स्ट्रॉन्ग होते हैं ऐसा हम नहीं मानते हैं हम रोडीज करता हूँ तो हम तो इक्वल मानते हैं बट यस जब सामान छुपा दिया था तो मेरी तरफ से वो फट्टू हो जाता है थैंक यू
बोला भाई एक लर्न नहीं हो रहा है एक ढंग से जो ये बोल रहा है मैं फील करवा रहा हूँ क्योंकि हमने जो डांस शो किया था तो मुझे लगा था 3 घंटे डांस होगा उसके बाद तो आराम ही करना है और वो 3 घंटे का 13 घंटे हो जाते पता नहीं लगता दोनों को एकेडमी चालू करना चाहिए रियलिटी शो सर रियलिटी शो में कैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए आप दोनों को स्टार्ट करें अच्छा बिजनेस बता दिया ये शो मैं सोचने के शिव सर